हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूँ अनिता बलीर। अनिता बलीर किचन में आपका स्वागत है। आज अपन बनाएंगे इडली। इडली बनाने के लिए मैंने सामग्री ली है। ये चावल ली है 3 कटोरी। आप कोई भी चावल ले सकते हैं। ऐसे 3 कटोरी चावल लिए मैंने। 1 कटोरी उड़द दाल ली है और 1/2 कटोरी पोहा लिया है। इस इडली में पोहे डालने से इडली अपनी सफेद और स्पॉन्जी बढ़िया बनती है। 1 चम्मच लिया है मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी दाना है। ये मेथी देना बारिश और ठंडी के दिनों में डालना ही चाहिए, क्योंकि इससे है ना खमीर बनता अच्छा है, और नमक भी डालना चाहिए। पोहा इसको अलग गलाया था और ये तीनों को मिक्स करके गला दिया था 8 घंटे के लिए। और फिर 8 घंटे के बाद में मैंने चावल को पीस लिया। और पीसने के बाद में उनको उसे रख दिया था अल्लाह। देखिए कितना प्यारा अपना खमीर बना है। ये देखिए, अपन को ऐसा ही खमीर चाहिए था। देखिए इतने भी बारिश के मौसम में इतना अच्छा अपना खमीर बना है। अब अपन बनाएंगे इडली। कुकर में पानी डालेंगे अपन। 2 गिलास पानी डाल के थोड़ा सा आधा नींबू का टुकड़ा डाल देंगे, क्योंकि ये इडली पॉट अपना काला नहीं हो। और सभी में तेल लगा लेंगे। करके इसको रख देंगे। इसे झाक कर रख देंगे अपन 15 मिनट के लिए। देखिए हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब गैस बंद करेंगे। अब देखिए क्लीन है, इसको निकालेंगे। देखिए अपनी कितनी अच्छी स्पॉन्जी इडली बनके तैयार हुई है। तोड़ेंगे अपन इसको। कितनी सॉफ्ट सफेद ये है। अपन ने जो पोहा डाला ना, उससे बनी इतनी स्पॉन्जी और सॉफ्ट। हर इडली को आप
फोड़ के देखूंगे। देखिए पीछे से भी देखिए कैसी जालीदार बनी है ना। जो अपन टाटली की इडली बोलते हैं ना, इसी बेटर से अपन टाटली की भी इडली बना सकते हैं। तो चलिए अभी मैं बना के बताती हूँ आपको। ये जाली है और इसमें पानी डाल दिया है थोड़ा सा, और इसमें अपन लगा लेंगे सभी प्लेट में ऐसे तेल लगा लेंगे। और अगर आपके पास ये ना हो तो छोटी छोटी जो थाली होती है ना स्टील की, ऐसी थाली होती है ना, इसमें भी बना सकती है। या फिर अपने पास है सब्जी, जिसमें सब्जी दाल रखते हैं वो कटोरी, उस कटोरी में भी अपन बना सकते हैं। ऐसे तेल लगाना सभी बर्तन में। थोड़े थोड़े खाली रखेंगे अपन। देखिए हमने जाली रखी है इसमें, और बस ऐसी प्लेट हमको रखते जाएंगे। पहले छोटी प्लेट और थोड़ा सा इसको ऐसे टप 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 कर देंगे और ऐसे ढक्कन लगा के इसको गैस पे रख देंगे। वही अपने 20 मिनट के लिए 20 मिनट तक रख देंगे अपन। चलिए देखेंगे अपने 20 मिनट हो चुके हैं, 20 या 15 मिनट होने देने का, और गैस बंद करेंगे। बढ़िया अपनी ये भी टाटली वाली इडली बोलते हैं इसको। देखिए अपने सभी इडली बढ़िया बनके रेडी हो चुकी है। देखिए है ना, और इसको साइड से इसके साइड अपन ढीले कर लेंगे इसे। इसको मन चाहा आकार दे सकते हैं अपन, जैसे चौकोर। बढ़िया, देखिए कितनी अच्छी बनी है अपनी टाटली की इडली। इसको ऐसे त्रिकोण आकार भी दे सकते हैं ऐसे। राई डाल देंगे तो ऊपर से डाल देंगे अपन नमक, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे।
ऐसी फ्राई करके अपन ने इडली को खाई तो अच्छी लगती है, टमाटर सॉस के साथ, चिली सॉस के साथ। और इसमें डाल देंगे अपन कटा हुआ हरा धनिया। अपना नाश्ता तैयार हो चुका है। पिंक डाला तो और अच्छी टेस्ट लगती है। इसके टुकड़े भी करके डाल सकते हैं या फिर सैगी भी डाल सकते हैं। अच्छा, और इसमें अपन डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हल्का सा। वैसे तो अपने इडली के बैटर में नमक है, उसी को ध्यान में रखते हुए डालेंगे। और इसमें डाल देंगे अपन कटा हुआ हरा धनिया। गैस करेंगे बंद।